हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, सुबह के बज रहे 11 और फाइनली नहा भी लिए और आज नहीं बोलने वाले हैं कि हम पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम पूजा कर लिए। तो इसीलिए आ गया अभी पुराने वाले घर से और आज का ब्लॉग हमें इसे स्टार्ट कर। और गाइस, आज तो थोड़ा तो बहुत कम ही है, बहुत ज़्यादा ही कम है। क्यों पता है? क्योंकि कल रात को हुआ था बारिश। क्या मस्त वाला बारिश हुआ था। मतलब अब बारिश होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं था, बट ठंड के मौसम में बारिश हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रहा था। तो अब तो गर्मी का टाइम आ गया है, मतलब बारिश भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गए थे अभी छत पे नहाकर, छत पे गए थे और अभी सोचेंगे चलते हैं ब्लॉग भी शूट कर लिया जाए। और अभी हमसे संजना मांग रही थी फ़ोन चलाने के लिए, तो हम बोले ना कि अभी फ़ोन नहीं दे सकते। तो बोले कि ठीक है, हम जा रहे हैं घर पर, तुम जाओ अकेले घूमने के लिए। कि बोले ना कि अभी हम नहाए नहीं है इसीलिए हम घूमने नहीं जाए, तो इसीलिए अभी उसको छोड़ दिए। और गाइस, फिर भी धूप ना लग रही है, बट बारिश के थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है धूप, वरना बहुत तगड़ी वाली बारिश लग रही थी। मतलब धूप काफ़ी तेज लग रहा था, हम बारिश बोलते हैं सॉरी। तो अभी तो हम यहाँ से चलते हैं और खाना भी हो गया, सब सारे काम कंप्लीट कर लिए और आज इसीलिए जल्दी, मतलब जल्दी नहीं, लेट ब्लॉग स्टार्ट किए, फिर हम निकलते हैं। गाइस, आप लोग ना एक बार ये घर देखिए। आप लोग इसलिए दिखा रहे हैं ना, इसमें बहुत सारा राज छिपा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही। अभी इसके बारे में हमें उतना भी पता नहीं है, हमें जितना भी पता होगा हम आप लोगों को बताएंगे, बट अभी नहीं बताएंगे। ये ना बहुत बड़ा घर है, बहुत ज़्यादा ही और बहुत पुराना, हमारे सोच से काफ़ी ज़्यादा पुराना घर है ये। और वो पेड़ देखिए, दीवार में ना होकर गया है उधर से। हम लोग क्रिकेट खेल लेते ना इसमें, तो बॉल काफ़ी बार उस पर अटक जा रहा था, तो हम पेड़ धके और दीवार पे चढ़कर हम लोग जाते थे छत पे बॉल उतारने के लिए। बट बहुत ज़्यादा अनोखा ना पेड़ इधर से उधर निकला हुआ है, दीवार से क्रॉस करके, इधर भी और उधर भी, उस साइड पर भी। आप लोग एक बार उधर का भी नज़ारा दिखाते हैं, एक बार देखिए उधर लगेगा एक सीढ़ी है एकदम, छत का सीढ़ी है एकदम। और गाइस, पेड़ का इतना मोटा मोटा जड़ है, फिर भी देखिए कैसे आर पार हो गया इधर। ये देखिए आप लोग, और इसी में ना मूर्ति बनाते हैं जब आते हैं वो। अभी ये पूरा गिर रहा है, ये यहाँ से हम लोग चढ़ रहे थे छत पे बॉल उतारने के लिए, कहीं भी अटक जा रहा था इसमें। एक बार आप लोग मौसम देखिए इधर, और ये रहे सन, उनके पास ना बस इतना ब्लैक बादल है, बट इसमें बारिश थोड़ी होगी। रात को 3 बजे बारिश हुआ है, बहुत तेज वाला। बारिश दोपहर को बजने वाली है 2, और अभी हम निकल रहे हैं घर से बाहर। अभी थोड़ा ना, मतलब आज थोड़ा मौसम ठीक है, इसलिए थोड़ा बाहर घूम रहे हैं, धूप और बादल बस ऐसे ही हो रहे हैं मौसम। और थोड़ा मौसम ठंड है इसके वजह से, कि उस कल मन सॉरी कल नहीं सुबह आज बारिश हुआ था और हमें मन कर दिया फिर से बेर खाने के लिए। तो अभी हम थोड़ा सा रिस्की लेंगे बेर तोड़ने के लिए और फिर अपने रूम में एंटर करेंगे, क्योंकि इधर का सारा बेर ना ख़त्म हो गया और मंदिर साइड का भी बेर पका हुआ नहीं है। तो हमें ना अपने, मतलब जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे ना एक बेर का पेड़ है जो पहले पक जाता है, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। तो अभी हम तोड़ने वाले, अभी जाएंगे छत पे, छत से एक मतलब दीवार है, दीवार से होकर हमें जाना पड़ता है बेर तोड़ने के लिए। अभी दीवार दिखाते हैं, बट हम जब जाएंगे उस टाइम पर नहीं दिखा सकते। और दिखाते हैं दीवार कितना ज़्यादा पतला है, बट इधर का ना हम मतलब रिक्स उतना ज़्यादा नहीं है, बस दीवार मतलब छत से ना थोड़ा दूर है। और इधर का सारे बेर ना ख़त्म हो गए, मतलब जो बचा हुआ है वहीं पे है और बाकी सारे ऊपर पेड़ पे हैं। तो हमें पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है, पहले हम चढ़ते थे जब छोटे थे, बट अब भूल चुके हैं और थोड़ा डर भी लगता है बहुत ज़्यादा ही पेड़ से। मतलब जो आप लोग ये दीवार दिख रहे हैं ना, अभी इस पर हम चढ़ के बेर तोड़ेंगे और वहाँ से बस थोड़ा दूर, बस थोड़ा दूर है वहाँ से, इसीलिए हम वहाँ पे थोड़ा चले जाते हैं।
कोई वहाँ पे रिक्शे नहीं है ज़्यादा भी, और छत से दिखाते ना कि वहाँ पे कितना ज़्यादा पास में बैर है, बहुत पास में बैर है। अभी इधर देखिए सारे ऊपर बैर है, बट जो भी नीचे था ना सारे तोड़ लिए। तो चलिए हम भी जल्दी से तोड़ते हैं फिर निकलते हैं रूम में। गाइस ऐसा लग रहा है ना कि फिर आज रात को बारिश होगी, क्योंकि कल ना इतने टाइम पे मौसम चेंज हुआ था और आज फिर मौसम चेंज हो गया। और इधर ना कुछ बहुत गंदा वाला बदबू आ रहा है, मतलब कुछ महक रहा है बहुत, और हमें नहीं पता क्या चीज़ है। और गाइस अभी ना चिड़िया दिखा रहे हैं बहुत प्यारी, बट उड़ जाएगी तो कैसे जाएंगे, अभी दिखा रहे। ये देखिए अभी कोशिश करें ना कि थोड़े उसके पास जाए, आप लोगों को और अच्छा दिखे, बट फोन काफ़ी ज़्यादा ही था, वो हमें देखेगी तो उड़ जाएगी। जितना आगे जा रहे हैं ना उतना गंदा मतलब गमक आ रहा है बहुत। और कल हम लोग आए थे इधर, बट कल ऐसा बात नहीं था, बट आज ना ज़्यादा ही कुछ, हमें लग रहा है कुछ ट्रेन के पास हो गया हुआ कुछ, इसीलिए ज़्यादा गमक रहा है। और आप लोगों को पता ही है ट्रेन से कितना ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, जानवर और बहुत बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत कुछ देखे हुए हैं। इतना ज़्यादा पास है ट्रेन, बट काफ़ी कुछ हम लोग देखे। और गाइस इसीलिए इसी के चलते ना हम जल्दी आते नहीं हैं इधर, तो अभी हम निकल रहे हैं घर पे। का पता अभी बारिश स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मौसम ना सेम है वैसे ही है।